إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام تمام تعریفیں ہر ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے ہماری سوچ محدود ہے اور کائنات کو بنانے والا رب ہر عمل ہر فعل اپنی حکمت سے انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد کرنے کا مخلوق حق ادا نہیں کر سکتی لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے اس وقت جبکہ ہم مسجد میں نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں جو گھروں سے باہر خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی ایک آبادی اس وقت شدید آفت میں مبتلا ہے سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے ہم تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تقریباً 103 ضلع ایسے ہیں جن میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور 30 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہیں اور آج کی بعض اخبارات نے تو 1 کروڑ افراد کو لکھا ہے کہ وہ متاثر ہیں 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں سینکڑوں مسجدیں گر گئی ہیں سینکڑوں تعلیمی ادارے سکول اور مدارس وہ گر گئے ہیں پانی میں بہہ گئے ہیں کالام میں مینگورا میں شدید سیلاب سے کئی مسجدیں مدارس اور سکول سیلاب میں بہہ گئے اور بعض علاقوں میں تو جہاں کبھی بستی تھی وہاں اس وقت پانی بہہ رہا ہے اور وہاں کوئی مکان نظر نہیں آ رہا بہتا ہوا پانی ہی نظر آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں
कि जिनके अपने घर भी गिर गए और अपने बुज़ुर्गों की कब्रें भी मिसमार हो गई। क्योंकि कब्रस्तानों से जब सैलाब गुज़रा है तो इतनी मिट्टी चढ़ा दी है कि कब्रों के निशान भी मिट गए हैं, कब्रस्तान भी मिलिया मेट हुए हैं। कब्रों से सैलाब गुज़रा कब्रस्तानों से, तो उसने कब्रों के निशान भी मिटा दिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपना घर भी गिर गया है और अपने बुज़ुर्गों की कब्रों के निशान भी मिट गए हैं। और ऐसे वाक़यात भी इन दिनों में पेश आए हैं कि हामिला औरत सैलाब में मुतासरीन में है, पानी से गुज़र रही है और उस पे दर्द ज़ेह का वक्त आ गया है। बच्ची पैदा हुई है और वो फोत हो गई है। और एक जगह ऐसा वाक़या पेश आया है कि बच्चा पैदा हुआ है, माँ फोत हो गई है और बच्चा बच गया है। अल्लाह उस बच्चे को ज़िंदगी अता करे, लेकिन जब भी वो सने शऊर को पहुँचा तो इस सैलाब को तो याद करता रहेगा। सैलाब इस वक्त तबाही जो मचा रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बाज़ इदारों ने जो अंदाज़ा लगाया है, तखमीना लगाया है कि 10 मिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ बलूचिस्तान में हो चुका है, जो मुसलसल बढ़ रहा है, मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। तो माली एतबार से जो नुकसान हुआ है वो कई सालों तक तलाफी नहीं हो सकेगी। जो मसाजिद, जो स्कूल, जो तालीमी इदारे गिर गए, और जो जानी नुकसान हुआ है 1200 के करीब अफराद वफात पा चुके हैं, और जानी नुकसान का सिलसिला भी जारी है, माली नुकसान का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम एक तकलीफ़ देह मरहले से गुज़र रही है। दूसरी तरफ पंजाब में भी, सरहद में भी बहुत सारे किसानों के जानवर बीमारियों से मर रहे हैं। जहां हमें सैलाब और दीगर नुकसानात के मादी असबाब तलाश करने चाहिए कि क्या वजह है हर साल ही हम इस सूरत हाल से गुज़रते हैं, और इसके सद्दे बाब के लिए हम क्या कर सकते हैं। जहां हमें इसके मादी असबाब, ज़ाहरी असबाब तलाश करने चाहिए, वहां हमें इसके रूहानी और बातनी असबाब भी तलाश करने चाहिए। हमने ये मुल्क एक वादे पे हासिल किया था, और वो वादा क्या था कि यहाँ इस्लाम आएगा। वो वादा क्या था कि ये मुल्क इस्लाम के लिए एक नमूना, एक तजर्बा गाह होगा, जिसमें हम दुनिया को बताएंगे कि इस्लाम पर अमल करने से क्या बरकात हासिल होती है। लेकिन 75 सालों में उस वादे को पूरा करने की तरफ हम कोई पेशरफ्त ना कर सके, ना इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम बना सके, ना कौम को ऐसी मुआशी राह पे डाल सके कि कौम तरक्की के रास्ते पे गामजन होती, ना कोई ऐसा तालीमी निज़ाम बना सके जिससे आने वाली नस्लों के जहन भी रोशन होते और ईमान भी महफूज रहता। तो इस वक्त जहां हमें मादी असबाब तलाश करने चाहिए कि क्या वजह है, क्यों हम हर साल इस मौसम में इन परेशानियों से गुज़रते हैं, वहां हमें रूहानी असबाब भी तलाश करने चाहिए। और ये वक्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने का वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक्त है, अल्लाह से तौबा करने का वक्त है।
जो भाई इस वक्त तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, उनकी तरफ से भी हम अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगें, उनकी तरफ से भी हम इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने के लिए ज़रूरी नहीं कि गुनाह किया हो फिर ही बंदा माफ़ी मांगे, बल्कि हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, चाहे ज़िंदगी नेकियों में गुज़र रही हो। सैयदुल मासूमीन, खातमुल मासूमीन, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप फरमाते हैं मैं दिन में 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जिनकी पाकीज़गी पे फरिश्ते रश्क करें वो सैयदुल मासूमीन और खातमुल मासूमीन इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो हम गुनाहगारों को किस कदर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इन दिनों में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। क़ुरान पाक में जिस मकाम पे इरशाद फरमाया मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, उसी मकाम पर आगे इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि लोग उससे इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और वो अज़ाब नाजल करें। अल्लाह की ये शान नहीं है कि लोग उससे माफ़ी मांग रहे हों और वो उन्हें अज़ाब दे। यानी जो इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उस पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, जो बख्शिश तलब करता है अल्लाह ताला उस पर रहमत के दरवाज़े खोल देता है। लेकिन दिलों के मुर्दा होने की कुछ ऐसी कैफियत है कि इस हाल में भी जबकि हम देख रहे हैं 1200 से ज़्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए, बाज़ जगह पे तो इस तरह भी मौत का वाक़या पेश आया है कि आदमी सारा दल दल में डूब गया है और उसके हाथ बाहर नज़र आ रहे हैं। ये मनाजर भी इन सैलाब में देखने में आए हैं। इस हाल में भी हमारा दिल न पसीजे और अल्लाह की तरफ रागिब ना हो तो फिर इसका मतलब ये है कि दिलों पे गफलत की मोहर लग गई। हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने फरमाया उस शख्स के लिए मुबारक हो कि कयामत के दिन जब उसका नामा आमाल खोला जाए तो नामा आमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ। बाज़ बुज़ुर्गों ने ख़ास वजीफ़े अपना लिए, कुछ ऐसे हैं जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हर काम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक बुज़ुर्ग थे जो दुकानदार थे, ताजर थे, लेकिन कपड़ा उठाते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह, बेचते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो एक गाहक ने कहा ये आप कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों पढ़ते हैं, जब भी मैं आपकी दुकान पे आया हूँ देखा है आप अस्तग़फ़िरुल्लाह ही कह रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया माफ़ी मिल गई तो सब कुछ मिल गया, माफ़ी मिल गई तो सब कुछ मिल गया। ये जो हालात हैं ये हमें अपनी बेबसी का एहसास भी दिलाते हैं और हमें उस ज़ात की तरफ भी मुतवज्जे करते हैं जिसने कायनात बनाई है और जो कायनात का निज़ाम चला रहा है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो, इंसान गुरूर और तकब्बुर में मुबतला हो के उस ज़ात को भूल जाता है। ये जो मौजूदा हालात हैं इनमें अवाम की बेबसी, हुक्मरानों की बेहिसी, सब कुछ हमारे सामने है। मौसम हमारे इख्तियार में नहीं, बारिश हमारे इख्तियार में नहीं, बारिश होना चाहे हम रोक सकते हैं नहीं रोक सकते। ये जो बेबसी है ये हमें उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे करती है कि झुक जाओ उस ज़ात के आगे जो तुम्हारी ज़िंदगी का निज़ाम चला रही है। सूरह मुल्क की आखिरी आयत ये है कि अगर दुनिया से पानी ख़त्म हो जाए तो तुम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कहाँ से पानी लाओगे। तो ये आयत हमें इस तरफ मुतवज्जे करती है कि जो दुनिया का निज़ाम, कायनात का निज़ाम चला रहा है,
हमें जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, जितनी खुराक की ज़रूरत है ज़मीन उतनी खुराक दे रही है, दुनिया में उतनी खुराक मौजूद है। कौन है जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है? कुरान पाक यहाँ से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हर हर हम्द अल्लाह के, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों की ज़रूरतें पूरी करने वाला है, जो तमाम मखलूकात की ज़रूरतें पूरी करने वाला है। तो मौजूदा सैलाब जहाँ हमें हमारी मोहताजी और बेबसी का एहसास दिलाता है, अल्लाह की अजमत को आश्कारा करता है, वहीं हमें इस्तिग़फ़ार करने, रब को राज़ी करने, रब को मनाने की तरफ मुतवज्जे करता है। आप पाकिस्तान को आम मुल्कों की तरह देखते होंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान को आम मुल्कों की नज़र से नहीं देखता, मैं तो पाकिस्तान को उस तारीख़ी तनाजुर में देखता हूँ जो इसका मकसद तासीस है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। जो बच्चे स्कूल में दाखिल ना हों, वैसे ग्राउंड में जाके खेल रहे हों, स्कूल टीचर उन्हें सज़ा नहीं देते, सज़ा उन्हें ही दी जाती है जिनका नाम स्कूल के रजिस्टर पर लिखा हुआ होता है, उन्हें ही झंझूड़ा जाता है, उन्हें ही सज़ा दी जाती है जिन्हें इम्तिहान में पास करवाना होता है कि ये मेहनत करें और इम्तिहान में पास हो जाए। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। जो इन मुश्किलात में भी रब की तरफ मुतवज्जे रहे और कायम रहे दीन पर, फरमाया उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। तो आज हमें यौम इस्तिग़फ़ार मनाना चाहिए और अपने घरों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहिए। कोई पता नहीं मेरे वजूद का ही कोई ऐसा गुनाह हो जिसकी ये नहुसत हो। अगर हर शख्स अपने आमाल को देखे कि मेरे 24 घंटे कैसे गुज़रते हैं, कहीं मेरे वजूद की नहुसती तो नहीं। खुद पसंदी ये अक्सर इंसानों में पाई जाती है, इंसान ये समझता है सारी दुनिया गलत है लेकिन मैं तो गलत नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं है, या मेरा वजूद तो महज बरकतों वाला वजूद है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कहीं मेरा कोई ऐसा ऐब तो नहीं जिसकी नहुसत है, जिसकी बेबरकती है। तो इसलिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, अपने ऐब दूर करने की फिक्र करनी चाहिए। शायद किसी एक शख्स के तौबा करने से पूरी कौम पे ही अल्लाह रहमत फरमा दे, अल्लाह बड़ी जल्दी राजी हो जाता है, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बुजुर्ग सफ़र कर रहे थे तो किसी शहर में उनके अकीदतमंद रहते थे, वो शहर में दाखिल हुए तो क्या देखा, लोग फूलों के हार लेके खड़े होने के बजाय हाथों में पत्थर लिए हुए हैं और उनकी तरफ फेंक रहे हैं। उन बुजुर्गों ने दिल में सोचा मुझसे गलती क्या हुई है जिसकी ये नहुसत है, जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। फौरन ख्याल आया कि मैंने अपने उस्तादों के मुसल्ले पर मैं बैठा था उनकी इजाज़त के बग़ैर, और उस्तादों का अदब मैंने पेशे नज़र नहीं रखा था, तो दिल ही दिल में तौबा की, या अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमा दे, मैं आइंदा अपने उस्तादों का अदब करूँगा। उस्ताद का अदब हकीकत में इल्म का अदब है। बस ना, आप कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद का अदब करते हैं तो कुरान का अदब कर रहे हैं, क्योंकि वो उस्ताद क्या करता है, कुरान पढ़ाता है।
आज हमारी इस्लाम पसंदी उस वक़्त भी ज़ाहिर हो जाती है जब स्कूल जाने वाला बच्चा खूब बन संवर के जा रहा होता है और दीनी दरसगाह आने वाला बच्चा वैसे ही घर से निकल आता है, तो उस वक़्त भी ज़ाहिर होता है कि हम इस्लाम को कितना पसंद करते हैं या कितनी अहमियत देते हैं। तो उस्ताद का अदब असल में इल्म का अदब है, इल्म की कदर है। तो उन बुज़ुर्गों ने दिल ही दिल में तौबा की कि परवरदिगार मुझे माफ़ी अता फरमा। जो पत्थर फेंक रहे थे उनमें से किसी एक के दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, वही आगे बढ़ के हाथ फैला के लोगों को रोकने लग गया और उन बुज़ुर्गों के फजाइल सुनाने लग गया। पत्थर मारने वालों के हाथ मुड़ गए, उन्होंने पत्थर फेंक दिए, उन बुज़ुर्गों की तरफ नहीं मारे और उनसे माफ़ी मांगने लग गए। जब चाहे रब हालात को बदल सकता है, हालात की संगीनी से कभी अपने ऊपर मायूसी तारी न करें। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाने वाला है। और ये वाक़या मैंने पहले भी किसी मौका पर आपके सामने बयान किया था, हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया कि एक चोर किसी घर गया चोरी करने, तो घर वाले बेदार हो गए, अंधेरा था, वो भागा, घर वालों ने लाइट ऑन की, चोर को भागते हुए देखा, दो जवान भाई उस चोर के पीछे भागे। चोर घर से बाहर निकला तो सामने मस्जिद थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, चोर मस्जिद के अंदर चला गया और जाते ही हाथ बांध के किबला रू हो के खड़ा हो गया जैसे तहज्जुद अदा कर रहा है, रात का आखिरी वक्त था। वो दो भाई जो चोर पकड़ने के लिए गली में आए, दाएं बाएं देखा, कहीं नज़र नहीं आया, उन्होंने कहा मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो देखें कहीं मस्जिद में ना हो। वो अंदर आए तो क्या देखा, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। छोटे भाई ने कहा कि ये चोर है, मैं इसको पकड़ता हूँ। चोर समझ गया कि अब मैं पकड़ा गया, दिल ही दिल में कहता है आज मुझे बचा ले, आइंदा मैं चोरी नहीं करूँगा, आज मुझे बचा ले। छोटा बढ़ने लगा, बड़े ने हाथ पकड़ के खींचा, उसने कहा वापस आ जाओ, देखो कैसे यक सुई से वो नमाज में खड़ा है, ये कोई अल्लाह का वली है, इसकी बेअदबी ना करो, अल्लाह नाराज़ होगा, चलो चल के अपना चोर ढूंढते हैं। बड़े भाई ने छोटे का हाथ पकड़ के खींचा, मस्जिद से बाहर निकाला। चोर को समझ आ गई कि जो मुझे पकड़ने आए थे वो वापस चले गए हैं। चोर था, बदअमल था, गुनाहगार था, बेहया नहीं था। बंदा गुनाहगार हो, बदअमल हो, बेहया ना हो तो कभी ना कभी तौबा कर ही लेता है। जब बंदा हो जाए ना बेहया, उसको हया ही ना आए, फिर जितने मर्जी है सैलाब आए वो तौबा नहीं करता, फिर जितना मर्जी है नुकसान होता रहे वो तौबा नहीं करता। वो जो चोर था वो गुनाहगार था लेकिन बेहया नहीं था, उसको शर्म आ गई, रोते हुए और सजदे में गिरते हुए अर्ज कर रहे है कोई झूठ मूठ भी तेरे सामने खड़ा हो जाए तो उसको भी बचा लेता है, तू कितना मेहरबान है, ना मैंने नियत की ना मैंने वुजू किया, मैं तो सिर्फ नमाजियों की शक्ल बना के खड़ा हुआ ताकि जो मुझे पकड़ने आ रहे हैं मैं उनसे बच जाऊं, तू कितना मेहरबान है, कोई झूठ मूठ भी तेरे सामने खड़ा हो जाए तो उसको भी बचा ले। एक गुना मेरा मां प्यो वेखे ते मनु देवे देस निकाला, लख गुना मेरा मालिक वेखे। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अपने हाथ से बनाई हुई चीज प्यारी होती है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, कभी उससे मोहब्बत करके देखे, ये उसकी मोहब्बत ही का तो सबूत है, दलील है कि उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है।
अब तक मैंने आपके सामने एक बात ही बयान की है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, हमारे भाई तकलीफ़ में हैं, हमें चाहिए कि हम कौमी सतह पे ये शऊर बेदार करें, अल्लाह की तरफ रजू करें, इस्तिगफार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और हर शख्स ये सोचे मेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से ये हालात है, कहीं मेरे किरदार की वजह से ही मुआशरे में ये हालात तो नहीं। अब तक मैंने ये एक बात ही बयान की है, बाकी तो सारी उसकी तशरीह की है कि हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे क्या ख्याल है, अगर माफ़ी मांगने से माफ़ी मिल जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, या आकड़ के ही रहना चाहिए और किसके आगे, या कितना अरसा नहीं माफ़ी मांगेंगे, कितना अरसा, अखीर क्या है, अंजाम क्या है, जाना तो उसी बारगाह में है, पेश तो उसी बारगाह में होना है। ये दिन रात का काफिला, ये शबो रोज की गर्दश, गर्दशे लैलो निहार कायनात को कहाँ लेके जा रही है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1200 हमारे पाकिस्तानी भाई फौत हो गए और हमारे दिल में कोई दर्द ही नहीं, कोई इस्तेराब, कोई कैफियत ही नहीं पैदा हुई रब की तरफ रजू करने की। लाखों लोग बेघर हो गए और हमारे दिल में कोई उनके लिए फिक्र ही नहीं पैदा हुई कि वो हमारे भाई हैं। अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। दुनिया के किसी कोने में मुसलमान को तकलीफ हो, आप तड़पते हैं तो आपके दिल में कामिल ईमान है। और अगर मुसलमान दुख में हो, तकलीफ में हो, आपको परवाह ही नहीं है तो फिर ईमान कामिल नहीं है। मेरे आका करीम ने फरमाया, जो शख्स सुबह इस हाल में करे कि उसे मेरी उम्मत की फिक्र नहीं है, उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है। पहली चीज तो हमें इस्तिगफार, तौबा की तरफ रजू करना चाहिए। दूसरी चीज, इस वक्त हमें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। मदद के हवाले से एक तो उनके लिए माली मदद, कोई एक रोटी, एक पानी का गिलास या कोई एक खैमा उनके लिए भेज दे, वरना सबसे पहला जो दर्जा मदद का वो ये है कि आप उनके लिए दुआ करें। ये हदीस आपने 12 मरतबा सुनी होगी कि मोमिन जब तक अपने भाई की मदद में होता है, अल्लाह उस मोमिन की मदद करता है। यानी आप अपने भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ आपके भाई के लिए तो कबूल होगी लेकिन पहले आपके लिए कबूल होगी। आप ये दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे भाई के गुनाह बख्श दे, अल्लाह आपके गुनाह भी बख्श देगा। या अल्लाह मेरे भाई को बीमारी से शिफा दे, अल्लाह आपकी बीमारियां भी दूर कर दे। या अल्लाह मेरा भाई तकलीफ में है। वैसे दूसरे के लिए खुशी मांगना मुश्किल है कि या अल्लाह मेरे भाई को खुश कर दे, दूसरों के लिए खुशी मांगना मुश्किल है, आम इंसानों के लिए, मोमिन के लिए मुश्किल नहीं। मोमिन तो जब रब से मांगता है तो इज्तिमाई दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चला। इहदिना में सिर्फ अपनी जात के लिए है या पूरी उम्मत के लिए है? दुआ पूरी उम्मत के लिए, इहदिना हम सबको हिदायत अता फरमा। तो कुरान पाक में जो दुआएं हैं उनमें जमा के सीधे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, परवरदिगार हमें अता फरमा, मुझे नहीं हमें अता फरमा। तो ये कौमी शऊर, मुआशरे की फिक्र इन दुआओं के अंदर मौजूद है। अगर आप उनके आसानी के लिए, राहत के लिए रब से दुआ करते हैं तो अल्लाह आपको भी आसानियां अता फरमाएगा। एक मदद तो है कि दुआ के जरिए मदद करें, दूसरा अमली तौर पे जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। एक जगह मैंने ये बात की तो एक दोस्त कहने लगे कि हम तो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, हमने उनकी मदद क्या करनी है, हम तो अपने बिजली के बिल जला रहे हैं,
एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं इस वक्त कौम को इस हाल में पहुंचाने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका है। मैं किसी जमात को नॉमिनेट नहीं कर रहा, हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो इक्तदार की जंग में यूं मसरूफ़ हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक किसी जमात का सरबरा सैलाब वाली जगह पे नहीं गया, सिवाय एक दो मजहबी जमातों के। वरना ये जो बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, ये पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, उनमें से कोई भी नहीं वहाँ गया। क्यों? उनको पता है लोगों ने वोट तो हमें ही देने हैं, कीड़े मकोड़े मर भी जाएँ तो क्या है। ये रोज़ गलियों में कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, कोई आपको फिक्र होती है? आप कहते हैं कीड़े मकोड़े मरते ही रहते हैं। तो ये जो बड़े सियासतदान हैं ना, ये हम पाकिस्तानी गरीबों को कीड़े मकोड़े ही समझते हैं, कहते हैं इन्होंने हमें नहीं वोट देने तो किसको देने हैं। और वैसे भी हमने वोट खरीदने हैं, हमने अपने तरीके से सियासत करनी है, अगर ना भी हम वहाँ गए तो हमारा सियासी नुकसान कोई नहीं होगा, बयानबाजी की हद तक की बात होगी। और ये बात बयान करते हुए भी कलेजा मुंह को आता है, जब लोग सैलाब में डूब रहे थे, इब्तदाई दिन थे, उस वक़्त एक तबका मुजरा कौमी सतह पे करवा रहा था, नाच गाने में मसरूफ था, जबकि पाकिस्तान का एक तबका उस वक़्त सैलाब की नज़र हो रहा था। इस वक़्त हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि वो हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो कि मुस्लिम उम्मा की फ़िक्र करने वाले हों। बारे दिगर कह रहा हूँ, ना किसी के हक में ना किसी की मुखालफत में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तानियों का दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। एक गैर मुस्लिम हुक्मरान ने अपने मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, हुक्मरान ही इस मुल्क के दुश्मन हैं। कि मुल्क अगर ये मौका है, सारी जमातें अपने इख्तलाफात छोड़ के उन गरीबों की मदद के लिए पहुँचें, तो हमें पता चले कि ये पाकिस्तान के खैर खां हैं। और अगर एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे, नहीं हुकूमत जाए हम नहीं जाएंगे, या दूसरे ये कहें कि फलां जाए हम नहीं जाएंगे, अगर हम एक दूसरे की ड्यूटी लगाते रहें तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में अपने मुल्क के लिए ही नरमी नहीं है। दो बातें मैंने आपके सामने बयान की, एक तो इस्तिग़फ़ार और दूसरा खिदमत खल्क। उन लोगों का ख्याल करें जिनके घर भी गिर गए, जिनके बुज़ुर्गों की कब्रें भी कब्रस्तान भी मिट गए, और वो ख़ुद भी नंगे आसमान तले बैठे हुए हैं। आप उनकी माली मदद कर सकते हैं तो माली मदद करें, अखलाकी मदद किसी हवाले से आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ उठाएं। माली मदद के लिए यूँ तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहले इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए उन लोगों के लिए। जब घर गिरा है तो किचन भी तो गिर गया ना उनका, वो चूल्हे बच तो नहीं गए, तो उनको खाना पीने का इंतज़ाम कौन करेगा? वो लोग जो इस वक्त खाने के मुंतज़िर हैं उनको खाना पहुंचाया जाए। लेकिन जब मैं अपनी कौम के सामने ये बात करता हूं तो लोग कहते हैं हम अपने बिल नहीं दे सकते, तो मैं कहता हूं चलो जो बाहर आपके अज़ीज़ अकारब हैं उनको ही कहें कि वो पाकिस्तानियों की कुछ मदद करें, जो ओवरसीज़ हैं उनसे कहें ये वक्त है कि पाकिस्तानियों की मदद के लिए आगे बढ़े। तीसरा मरहला जहां मेरी गुफ्तगू पहुंची है, वहां ऐसा अंदेशा है कि कोई हिम्मत हार बैठे, मायूसी तारी हो जाए, तो हिम्मत नहीं हारनी। हालात जितने भी ख़तरनाक हों, मुश्किल तरीन हों, मर्द का क्या काम है कि वो हिम्मत हार जाए। बल्कि इकबाल ने तो एक मौके पे दुआ मांगी थी, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। इकबाल कहते हैं तेरे अंदर कोई तूफ़ान आए जिससे तू बेदार हो जाए, यानी तूफ़ान आता है जगाने के लिए,
और अगर तूफान भी आए और बंदा बेदार ना हो, इसका मतलब ये है ये जिंदा ये मुर्दा है, ये बहरे मुर्दार है। वरना अगर ये जिंदा होता तो तूफान इसको उठा देता। कुछ बंदे होते हैं जिनको आवाज दें उठ जाओ, सोया हुआ बंदा उठ गया। कुछ ऐसे हैं आवाज से नहीं उठे, झंझूड़ा, बाजू पकड़ के झंझूड़ा, उठो, उठ गए। अब जो आवाज देने से भी नहीं उठ रहा, झंझूड़ने से भी नहीं उठ रहा, आप उस्ताद थे, शागिर्द सोया बैठ, सोटी मारी, छड़ी मारी, वो फिर भी नहीं उठ रहा, तो वो चेक करेंगे जिंदा भी है या मौत मर गया है। इस कदर आजमाइशें और परेशानियां आए और हमारी खुफ्ता सलाहियतें बेदार ना हो, हम एक कौम ना बने। इस तरह के हालात मौका पैदा कर देते हैं कौम बनने का। ऐसे मवाके पे जो लोग इस अंदाज में बयानबाजी करें कि तोड़ने की बातें कर रहे हों और जोड़ने की बातें ना कर रहे हों, वो कौम के मुखालिफ हैं, वो मुल्क के मुखालिफ। ऐसे मवाके तो टूटे हुए लोगों को भी जोड़ देते हैं। कई दफा ऐसा होता है देहातों में पड़ोसी के साथ मुखालफत है या किसी रिश्तेदार के साथ, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है नाराज लोग भी राजी हो जाते हैं, दुख में शामिल हो जाते हैं, दुख में अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ते। तो ऐसे मवाके जो हैं ये तो कौमी जज्बा पैदा करने के लिए आते हैं, अगर हम इनको सही इस्तेमाल करें। लेकिन जहां मीडिया भी बिका हुआ हो वहां कैसे कौमी जज्बा पैदा किया जा सकता है। मैं आपकी खिदमत में इतना ही अर्ज करूंगा कि ये वक्त ऐसा है जब हम कौमी शऊर को और कौमी जज्बात को बेदार करके एक कौम बन सकते हैं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लाह करीम ने अपने इश्क की अमानत आसमानों को पेश की, ए आसमानों मेरे इश्क की अमानत उठा लो, ऐ जमीन मेरे इश्क की अमानत उठा ले, ऐ पहाड़ों मेरे इश्क की अमानत उठा लो। फअबैना अन यहमिलनहा व अशफकना मिनहा व हमलहल इंसान। आसमानों ने जमीनों ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया और आजजी से इनकार किया, उनके सीने फट गए। या अल्लाह हम तेरे इश्क की अमानत नहीं उठा सकते। वह हमला हल इंसान, लेकिन इंसान ने वो इश्क की अमानत उठा ली। अब मुझे बताएं इंसान कितना हिम्मत वाला है, इंसान हिम्मत वाला है या नहीं है। ये कुरान बयान कर रहा है कि इंसान बड़ी हिम्मत वाला है। जो अमानत आसमानों ने जमीन ने पहाड़ों ने नहीं उठाई, वह अशफक ना मिनहा और उनके सीने फट गए, वो अमानत हजरत इंसान ने उठा ली। इंसान बड़ी हिम्मत वाला है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे डट गए, फिर उस पे कायम रहे, ऐसे बाहिम्मत लोगों की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाजल होते हैं। वो फास बैठे हैं, इनसे पूछें तरतीबे कलाम में पहले फरिश्तों के नाजल होने का जिक्र है या पहले इस्तेकामत का जिक्र है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो अहले हिम्मत हैं, अहले इस्तेकामत हैं, उनकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाजल होते। नौजवानों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरी कौम के जवानों हालात इससे भी सख्त हो जाएं, हिम्मत ना हार। बाज दुश्मन मीडिया के जरिए आपको कम हिम्मत बनाएंगे, लेकिन आप शेरों की औलाद हैं। आप सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी और तारिक बिन ज़ियाद की हिम्मतों के वारिस हैं। आप शुहदाए करबला की तालीमात के वारिस हैं। आप शुहदाए बदर ओहद की कुर्बानियों के वारिस हैं। आपकी दास्तान हिम्मतों की दास्तान है। आप गीदड़ों की औलाद नहीं हैं, आप तो शेरों की औलाद हैं।
हालात जितने भी सख्त से सख्त होते जाएं, हिम्मत के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। असल हार उस वक्त होती है जब बंदा हिम्मत हार जाता है। इकबाल ने लिखा है, गुरेज कशमकशे हयात से मर्दों की, गुरेज कशमकशे हयात से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। इकबाल कहते हैं हार का मतलब ही ये है कि बंदा हिम्मत हार जाए। मैदान में हारने से बंदा नहीं हारता। 16 दफा हारे महमूद गजनवी, लेकिन हिम्मत तो 17वें हमले में कामयाब हो गए। असल हार वो है कि जब बंदा हिम्मत हार जाए। पाकिस्तान के हालात या इस वक्त जो बहरान है, उनसे निकलने का तरीका हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। उठ बांध कमर क्या तकता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हाथ पे हाथ धरे क्या देख रहे हैं आप। उठें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे तवक्कुल करें। जो आप किरदार अदा कर सकते हैं, मस्बत किरदार, कोई मनफी बात ना जबान से निकले और कोई हौसला तोड़ने वाली बात ना करें, बल्कि हौसला अफजा कैफियत पैदा करें, हौसला अफजा माहौल पैदा करें कि तारीख में इससे बड़े बड़े तूफान आते रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा सुरखरू होती रही है। आखिरी बात कर रहा हूं, आपने सिर्फ इरादा ही करना है, काम तो सारा मदीने वाले की नजर से ही हो जाना है। काम तो वो खुद ले लेंगे, आपने तो सिर्फ दुआ करनी है, या अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, या अल्लाह हमें उनमें ना शामिल करना जिन्हें दफ्तर से निकाल दिया गया, या अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, बाकी काम तो हजूर की निगाह से हो जाएगा। बातनी तवज्जो हाथ से हिम्मत भी आ जाएगी, रास्ते भी बन जाएंगे। लेकिन आज जो मसला है वो ये कि हम हिम्मत हार बैठे, हम मायूस हो गए कि जी ना मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, ना हम मुसलमान ठीक हो सकते हैं। ऐसी बर्बादी जो है वो हमारे अंदर सरायत कर गई है। ला तकनतु इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और इकबाल ने तो बड़ी खूबसूरत बात की है, जो मैंने पहले भी बयान की है, कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। किसी हाल में भी हिम्मत ना हारे, बुजदिलों वाली बातें ना करें, कम हिम्मती में मुबतला ना हो, बल्कि हिम्मत से काम लें। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि आपने तो सिर्फ दुआ मांगनी है, या अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, जब उसकी बारगाह से कबूलियत हो गई, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। आज अगस्त की क्या तारीख है? 26 तारीख। कल जो दिन गुजरा है ना, 25 अगस्त, ये बड़ा तारीखी दिन है। 25 अगस्त 1900, यानी आज से 122 साल पहले इसी दिन को मिर्ज़े ने चैलेंज किया था मुसलमानों को, और ताजदारे गोड़ा का नाम लेकर कि आप मेरे साथ अकीदा ख़त्मे नबूवत पे मुनाजरा कर लें और बैठ के तहरीरी मुनाजरा, सूरह फातिहा अरबी जबान में उसकी तफसीर लिखेंगे, जिसकी तफसीर आला होगी वो सच्चा है। तो ताजदारे गोरड़ा ने कहा चलो सामने तो आए ना, भाग ही ना जाए। आपने कहा ठीक है आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, हम तफसीर लिखेंगे नहीं, कलम को रख देंगे कागज पे, जिसकी कलम खुद उठ के लिखे वो सच्चा। अगस्त को 1900, आज से ठीक 122 साल पहले, आज ही के दिन
ताजदार गोरड़ा भी बादशाह मस्जिद में, अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब भी, और पूरे मुल्क से बरे सगीर से जैयद उलमा मशाइख वहां मौजूद हैं। 25 अगस्त की तारीख है, रसूलुल्लाह के शेर पहुंच गए पर वो लूमड़ी नहीं आई, वो झूठा नहीं पहुंचा। 26 अगस्त आज का दिन गुजरा, फिर 27 अगस्त जो कल दिन आ रहा है, ये तीन दिन हमारे मशाइख वहां बैठे रहे। 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, मिर्जा लाहौर आया हुआ था, बादशाही मस्जिद में नहीं पहुंचा। उसके जो मुरीद थे, जो उसके जाल में फंसे हुए थे, वो कहते हैं खुद ही बुलाया है तो आप मुकाबले पे निकलो। उसने कहा शैतान ने मेरे ऊपर वही की है कि अगर मैं गया तो मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, लिहाजा अब मेरा पैगाम लेके जाओ कि पीर मेरे अली शाह साहब को किसी कोड़े के पास ले जाएं, अगर ये कोड़े को लंगड़े को ठीक कर दें तो ये सच्चे हैं। जब ये पैगाम पहुंचा ताजदारे गोलड़ा के पास, मेरे मुनीर में है, आप जलाल से उठ खड़े हुए। आपने फरमाया आज मेरे अली शाह को किसी लंगड़े किसी कोड़े के पास नहीं, किसी मुर्दे की कब्र पे ले जाओ, मैं कब्र को ठोकर मार के मुर्दे को कब्र से उठा के अपने आका की खत्म नबूवत बयान करवा सकता। मेरे मुनीर में है, चंद दिनों के बाद ताजदारे गोलड़ा से आपके किसी अकीदत मंद ने पूछा, हजूर आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं कब्र को ठोकर मार के मुर्दे को उठा के मुर्दे को जिंदा करके हजूर की खत्मे नबूवत बयान करवा सकता हूं, इतना बड़ा दावा। तो ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया मैंने कब दावा किया था, मुझसे तो साइयों ने दावा करवाया था। मेरे अली शाह तू जो कहेगा वो हो जाएगा। मुझे तो कल हजूर ने फरमाया था मेरे अली शाह कल डरना नहीं, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, दुआ करें अल्लाह हमें हजूर के गुलामों में कबूल फरमा ले, हम पर मायूसी ना तारी हो, ना उम्मीदी ना तारी हो, अल्लाह ताला हमें हजूर के सच्चे गुलामों में शामिल फरमाए। जिसको हजूर की गुलामी की ये कैफियत मिल जाती है वो कांटों पे भी यूं चलता है जैसे फूलों पे चल रहा, उसको समंदरों में भी पुल नजर आते हैं, हालांकि समंदरों में पुल नहीं होते। वो किसी शायर ने लिखा कि ना डराओ मुझे कि समंदरों में पुल नहीं होते, मेरे इरादों को रस्ते दिखाई देते हैं। जिन्ना फुलां ते नजर हजूर दी है तो पे रख दिए कदे सुक दे, जिन्ना फुल्लां ते नजर हजूर दिए तो पे रख दिए कदे सुक दे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। मैंने सारी गुफ्तगू में बस तीन चीजें ही आपके सामने बयान की, एक तो ये कि इस्तिग़फ़ार का वक़्त है अल्लाह से माफी मांगने का, दूसरा खिदमत खलक का जज्बा अपने अंदर भी पैदार करें। दो रोटियां खाते हैं तो एक रोटी खाते हैं तो आधी किसी ज़रूरतमंद को दे दें। यहाँ भी लोग मुतासर हुए हैं बारिश से पानी से, ज़रूरतमंद मांगने ना आए खुद एहसास करें। और तीसरी चीज़ ये कि किसी हाल में भी हिम्मत ना हारें, ये मर्दानगी का भी तकाजा है और ये ईमान का भी तकाजा है। मोमिन कभी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि हमने क्या करना है, अल्लाह हर शय पे कादिर है, हमने तो सिर्फ उसके हुक्म के मुताबिक कदम उठाना है, उसमें तासीर पैदा करना मेरे रब का काम है। हर हाल में हिम्मत को कायम रखें तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।